हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। हमारी जो आज की वीडियोस चल रही थी, ये वाली करिकुलम पे बेस चल रही थी, यानी कि पाठ्यक्रम पर। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप चेक कर सकते हैं करिकुलम क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मैंने डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल पे बात करी थी और कुछ टॉपिक यानी कि अप्रोचेज वगैरह पे भी बात करी थी कि क्या होता है। तो करिकुलम बेसिकली आपको पता ही है, मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया था कि करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम और एक जो हमारा पाठ्य वस्तु होती है यानी कि कंटेंट होता है, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। करिकुलम का एक ब्रॉड एरिया है, करिकुलम के अंदर का एक पार्ट कंटेंट होता है हमारा, जिसके अंदर हमारा पाठ्य वस्तु यानी कि कंटेंट आता है, टीचिंग, हमारी स्किल्स आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, मेथड्स आते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो करिकुलम का पार्ट है। ओके, और करिकुलम बेसिकली होता क्या है, करिकुलम का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो बच्चा है उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। हमें केवल स्टडीज़ पे फोकस नहीं करना है बच्चे की, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस करना है, कि उसकी सोशल लाइफ पे भी फोकस करना है आपको, उसका फिजिकल, मेंटल और बाकी चीज़ें भी टाइम टू टाइम उसकी डेवलप होती रहे, इस चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है उसका करिकुलम का एक सब टॉपिक रह गया था, वो आज कंप्लीट कर लेंगे करिकुलम मतलब पूरा। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का संगठन। अब फॉर आपको बताए, अगर हम किसी भी चीज़ का मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी चीज़ को संगठित कर रहे हैं, मतलब उसको प्रिपेयर करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में, तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके पास, एम्स होंगे, कोई ना कोई नीड होगी, तभी आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं ना। तो इसीलिए आज इसी पे बात करेंगे कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम हमको ऑर्गेनाइज करना है, उसको किस किस रूप में ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं, मतलब उसका बेस क्या है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में, कि जो हमारे टाइप ऑफ करिकुलम है, टाइप ऑफ करिकुलम मैंने आपको कैसे बताए थे, चाइल्ड सेंटर बनाया था, कि जो हमें करिकुलम बनाना है वो किस किस पे बेस्ड होना चाहिए, किस किन चीज़ों को हम ध्यान में रख के अपना करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, पाठ्यक्रम बना सकते हैं। तो बच्चे को देख के बना सकते हैं, अपनी सोसाइटी को देख के बना सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या थे, प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग अब बात आ जाती है ऑर्गेनाइज करने की, कि जब हमने ये सारे पॉइंट्स और एस्पेक्ट्स को देख लिया कि एक करिकुलम हमें बनाना है, तो उसको किस वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम स्कूल के लिए, ताकि वो बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, जो ऐसा बने कि बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में तो हेल्प करे और बाकी जो स्कूल ऑर्गेनाइज है उसके लिए भी हेल्पफुल हो, केवल बच्चे और टीचर के लिए एक टीचर लर्निंग प्रोसेस ना हो, जो स्कूल का मैनेजमेंट है और बाकी चीज़ें उनके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, तो इसको थ्री पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन यानी कि एकीकृत पर आधारित। एकीकृत क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे जो टुकड़े होते हैं ना, जो पार्ट्स डिवाइड होते हैं, उनको आपस में जोड़ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि जो हमारे पार्ट्स डिवाइड हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करना, जोड़ना, फिर उससे नई चीज़ बन के निकले, राइट। तो यहाँ पे एकीकृत का क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब हुआ कि जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ना, लाइक मान लीजिए लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, और आपका एसएसटी से रिलेटेड सोशल साइंस में आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है, एनवायरनमेंट आ जाता है, ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं, और साइंस में आपके फिज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायो आ जाती है, ये सारे अलग डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही जो एक सब्जेक्ट्स को रिलेटेड जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको आपस में जोड़कर स्टडीज़ कराना, मतलब आपस में इंटीग्रेट करके जो है करिकुलम सेट करना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है कि जो इंटीग्रेशन के थ्रू हमें अपना करिकुलम बनाना है, वो ऐसा होना चाहिए जो आपस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, ताकि आपस में उनको कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाया जा सके। बच्चा जब एक नया सब्जेक्ट पढ़े तो उसको बिल्कुल वो न्यू ना लगे, या उसमें वो कंफ्यूज ना हो कि मैम ने ये क्या स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा मैथ्स जानता है कि मैथ्स क्या होता है, या फिर उसके बेसिक टर्म्स जानता है, तो जब वो साइंस पढ़ेगा वहाँ पे भी मैथ्स का यूज़ होता है,
तो वहाँ पे उसको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी एसएसटी के अंदर जैसे एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हो, तो एनवायरनमेंट क्या है, हमारा साइंस में भी आता है, जैसे हम पोल्यूशंस पढ़ाते हैं और बाकी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ाते हैं, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हम पढ़ाते हैं कि हमारा लेयर्स कैसी होती है, अर्थ कैसा है और जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है साइंस में भी पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वो क्या है आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो बच्चे क्या हैं उनको पहले से वो चीज़ नोन रहती है, अगर एक सब्जेक्ट पढ़ लेता है तो सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ने में क्या है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सेकेंड सब्जेक्ट्स के साथ भी बहुत फेमिलियर रहता है कि हाँ इस चीज़ के बारे में मैं पहले साइंस में पढ़ चुका हूँ। बस थोड़ा सा क्या होता है उस वे में कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है, वो साइंस के अकॉर्डिंग हो जाता है और वो एसएसटी लेवल के अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो उसी पे बेस्ड करती हैं कि जैसे अर्थ क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे को अगर पहले पता है तो वो बाकी चीज़ों को भी अपने वे में फॉर्मेटिव रूप में उसको अचीव कर लेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जो हमारा बेस्ड है कि करिकुलम क्या है ऐसे मेंटेन करो, ऐसे ऑर्गेनाइज करो जो इंटीग्रेटेड हो, जो बच्चे के लिए ऐसे यूज़फुल हो कि बच्चा केवल एक सब्जेक्ट पे ध्यान ना दे, सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चले, कोरिलेट करते हुए पढ़े ताकि उसको अच्छे से वो लर्निंग कर सके और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग हो। क्योंकि आपस में जितना कोरिलेशन बना के आप स्टडीज़ करवाओगे और बच्चा स्टडीज़ करेगा तो वो जल्दी गेन करेगा। अगर मान लीजिए एसएसटी का ही आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हो, बच्चे को पता है कि वो चीज़ क्या है, वो साइंस में पढ़ेगा तो उसको कम टाइम लगेगा समझने के लिए क्योंकि वो चीज़ वो पहले पढ़ चुका है, उसके साथ वो फेमिलियर है। अगर लेकिन आप कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो उसका मीनिंग समझने में उसे टाइम लगेगा, उसको बाकी चीज़ें उससे रिलेटेड समझने में टाइम लगेंगी। ठीक है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड जो है सब्जेक्ट्स, मतलब इंटीग्रेटेड पे बेस्ड जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस ये हैं कि सबसे ज़्यादा तो एक जो नॉलेज है वो गेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको जो एक स्थायी नॉलेज मिलती है, अपनी परमानेंट नॉलेज जो मिल जाती है वो बहुत जल्दी मिलती है इससे, क्योंकि आप जितना सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे दूसरे को पढ़ोगे तो क्या है वो आपकी रिवाइज होती रहेगी, आपने वही चीज़ साइंस में पढ़ी और वही चीज़ आपने सोशल स्टडी में पढ़ी तो वो क्या हुई सेकेंड टाइम में आपकी रिवाइज हो गई, तो आपकी परमानेंट नॉलेज हो गई। ठीक है, ज्ञान स्थायी करने में हेल्प रहा, आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको टाइम कम लगता है इस चीज़ में क्योंकि आप वही चीज़ें पहले पढ़ चुके हो और सेकेंडली भी वही चीज़ें पढ़ रहे हो, आपकी सोशल लाइफ से कनेक्टेड है, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो जो सोशल लाइफ से रिलेटेड है आपकी, आपको पता है कि आपकी सोशल लाइफ में कैसे एडजस्ट करने में हेल्प करेगी या बाकी चीज़ों में कैसे हेल्प करेगी, तो वहाँ पे उस वे में क्या होगा कि बच्चे को बहुत इजी होगा किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से कनेक्ट करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है और जो उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंटीग्रेटेड में आती हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड में जब आपस में सारी चीज़ें आप कोरिलेट करके पढ़ते हो तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो एक चीज़ से बोर नहीं होता है, वो क्या है टाइम टू टाइम आप उसमें कोई ना कोई चेंजेस कर सकते हो, इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हो, उसकी डेली लाइफ प्रॉब्लम से उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और बच्चा एक तरह से जैसे वैज्ञानिक खोज होता है ना कि बच्चे का माइंड ऐसे एज अ डिस्कवर रहता है कि वो कोई ना कोई डिस्कवरी करने लगता है, इस टाइप से बच्चा बन के निकल के आता है सामने। और बाकी क्या है व्यवहारिक पक्ष रखता है, व्यवहारिक पक्ष में क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को अगर समझता है तो उसको अपने बिहेवियर में यूज़ करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपीरियंसेस टीचर नहीं मिलती, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, कोई इजी वे नहीं है कि दो सब्जेक्ट्स को आपस में कोरिलेटेड करके पढ़ाना, आप समझ रहे हो कि बहुत इजी है कि ठीक है साइंस की बुक ली पढ़ा दिया, मैथ्स की बुक ली पढ़ा दिया, बिल्कुल भी नहीं। एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे किन सब्जेक्ट्स को कोरिलेटिव करके पढ़ा सकते हो इतना इफ़ेक्टिव तरीके से कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आए। और दूसरी चीज़, जितने दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, मतलब जितना दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से सिमिलर होंगे, बच्चे की ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज में उतनी ज़्यादा टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी कि बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट ही नहीं है, जीरो पॉइंट्स है या नेगेटिव हैं, तो बच्चे को उतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये एज अ टीचर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे उसकी लर्निंग करा सकते हो, कि दो आपको चेक करना है कि जो बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, कि आपका मैथ्स का यूज़ साइंस में हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है और कितना हो रहा है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें डिसएडवांटेजेस में यही फर्स्ट पॉइंट आता है कि फर्स्ट जो एक्सपीरियंस टीचर होती हैं, कई बार ही उनको कंटेंट की नॉलेज होती है, सब चीज़ की नॉलेज होती है, लेकिन वो आपस में सब्जेक्ट्स को कोरिलेट नहीं कर पाती हैं इस तरीके से कि बच्चे के लिए वो यूज़फुल हो सके। कई बार ऐसे होता है कि वो नेगेटिव ट्रांसफ़र में चला जाता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र में नहीं जा पाता, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने होम साइंस और मैथ्स को कोरिलेट कर दिया तो उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल अलग है और होम साइंस सब्जेक्ट आपका बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो दोनों का कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए टीचर को ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटीज़ हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करे बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है कि जो टीचर्स की स्किल्स और मेथड्स होते हैं वो सभी टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ करने चाहिए, क्यों, अगर छोटे बच्चों के लिए स्टडीज़ करवानी है तो आप वहाँ पे ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड जो अपने मेथड्स हैं और स्किल्स हैं उनको यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो एक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, उनकी सिटिंग पावर इतनी नहीं होती है कि वो एक जगह बैठ के आपके दो या एक घंटे के लेक्चर्स को बियर कर पाए, तो इसीलिए वहाँ पे आप एक्टिविटी बेस्ड स्किल्स और मेथड्स यूज़ करेंगे। बड़े बच्चों के लिए जो आफ्टर 8th और 10th क्लास में होते हैं उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन मेथड भी यूज़ हो सकता है। छोटे बच्चों के लिए आप डिस्कशन मेथड नहीं रख सकते क्योंकि फिर क्लासरूम में थोड़ा शोर शराबा होगा या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल पर वो नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, एकीकृत करके पढ़ाना है हमें, ऐसा करिकुलम सेट करना है। सेकंड है बेस्ड ऑन सेपरेट सब्जेक्ट, यानी कि विभिन्न विषयों पर आधारित। अभी जैसे हमारे जो करंट हमारा करिकुलम चल रहा है क्लासरूम के अंदर, आपने भी जो पढ़ा है और जो अभी हमारा लर्निंग प्रोसेस में करंटली चल रहा है वो किस पे डिपेंड है, वो हमारा सेपरेट सब्जेक्ट्स पे डिपेंड है, क्योंकि हमें हमारी जो स्कूल में टीचिंग करवाई जाती है वहाँ पे क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। आपका मैथ्स का सब्जेक्ट अलग होता है, साइंस का अलग होता है पीरियड, होम साइंस का अलग होता है, फिजिकल एजुकेशन का पीरियड अलग होगा, उसके टीचर भी आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनकी स्किल्स भी डिफरेंट होगी, कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई किसी चीज़ में उनकी स्किल्स ज़्यादा है, ठीक है, कोई आपको बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, ये सारी चीज़ें आप जो देखते हैं ये इससे रिलेटेड है आपके सेपरेट सब्जेक्ट से, ठीक है। सेपरेट सब्जेक्ट बोलता है कि करिकुलम ऐसा बनना चाहिए, करिकुलम उस पर डिपेंड होना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को एक प्रॉपर टाइम दिया जाए, जो अभी हमारा रिसेंटली एजुकेशन में हमारा प्रोवाइड किया जाता है NCERT के थ्रू, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सभी जो हमारा टाइम टेबल मेंटेन है डेली का, उसमें सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आधे घंटे का आपका मैथ्स का पीरियड होगा, आधे घंटे का आपका साइंस का होगा, आधे घंटे का आपका गेम्स का पीरियड होगा, सबको इक्वल टाइम होता है। ये नहीं कि एक घंटा मैथ्स को दे दिया, साइंस को दो घंटे दे दिए, या होम साइंस थोड़ा ईजी सब्जेक्ट है तो उसको 15 मिनट्स ही दे दिए, ठीक है। तो एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है आपका सेपरेट सब्जेक्ट्स के अंदर। आप सेपरेट सब्जेक्ट्स में क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, उसकी स्किल्स पे फोकस करते हैं। आपकी जो मैथ्स की टीचर होगी वो केवल आपको मैथ्स ही टीच करेगी, उसकी अपनी स्किल्स होगी, और जो आपकी साइंस की टीचर होगी वो आपको साइंस ही पढ़ाएगी, उसकी अपनी स्किल्स होंगी, ठीक है। तो सेपरेट सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली आपके लिए एक सब्जेक्ट रखा जाता है जो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मतलब फोकस करता है कि आपको उससे रिलेटेड जितने भी आपके एडवांटेजेस हैं वो आपको गेन करने में हेल्प हो। अब इसके एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। जो सेपरेट सब्जेक्ट्स पे बेस्ड है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सेपरेट सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो एडवांटेज है वो ये है कि पहला,
बच्चों की नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होती है अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है आधे घंटे का 45 मिनट का, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे का जो नॉलेज होगा या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो उससे रिलेटेड ही वो नॉलेज गेन करेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि दो अगर सब्जेक्ट्स को आप कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग से वो काफ़ी हटके हो जाता है और बच्चा वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चे के अंदर, ना वो साइंस को समझ पाता है ना वो मैथ्स को समझ पाता है, राइट। तो इसीलिए जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सेपरेट सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, तो बच्चे की नॉलेज अच्छी हो जाती है, उसकी वो जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, वो दूर करने में हेल्प होती है। सेकेंड पॉइंट कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि अगर सेपरेट सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को अगर मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, नेक्स्ट पीरियड में थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है या उसकी सिटिंग पावर थोड़ा लूज़ हो जाती है कि वो बैठ नहीं पा रहा है या वो इतना ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, तो वो टीचर से डिस्कस करके वहाँ पे उसको अपने सब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करा सकता है। मॉडिफाई कैसे करा सकता है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड करवा सकता है, कुछ अलग से सेपरेशन टाइम दे सकते हैं उसको, या फिर उसमें कुछ एक्टिविटीज़ और बच्चे के इंटरेस्ट और एज के अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का है कि आप इवैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं सेपरेट सब्जेक्ट में। अगर आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस कोई चीज़ बच्चे को सिखाई है तो आप उसका जब इवैल्यूएशन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट या जो कंटेंट आपने बच्चे को पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही आपको जब इवैल्यूएशन करेंगे तो आप उससे रिलेटेड ही बच्चे से क्वेश्चनिंग करेंगे, राइट। अगर इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जब आपने दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, दूसरे वाले सब्जेक्ट को इतना ध्यान नहीं देते हो, या इवैल्यूएशन करने में कन्फ्यूज़न हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, आप क्वेश्चनिंग शायद आपने मैथ्स से रिलेटेड ज़्यादा कर ली है, साइंस से रिलेटेड कम ही क्वेश्चनिंग की है, तो से रिलेटेड जितना बच्चे को कंटेंट समझ आना चाहिए आपको नहीं पता चल पाया कि बच्चे को उतना समझ आया भी या नहीं आया, ठीक है। तो जो सेपरेट सब्जेक्ट के अंदर है वो बेस्ट पॉइंट यही है एडवांटेज में, कि आप जब इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का तब बहुत प्रॉपर वे में इवैल्यूएट कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ पे टीचिंग मेथड्स और जो टीचिंग एड्स है उनको भी अच्छे तरीके से बच्चे के लिए डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि जब इवैल्यूएशन के थ्रू आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि बच्चे ने कितनी लर्निंग करी, अपने बिहेवियर में चेंज किया या कहीं पे कमी रह गई, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टीचिंग मेथड्स और एड्स को क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं एज़ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस भी क्लियर करने थे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, साइंस है उसमें 25 चैप्टर है, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे, आपको हर एक टाइम का मतलब जो टाइम टेबल आपका डिवाइड है पर सब्जेक्ट के लिए कि आपको 30 मिनट इसके लिए देने हैं, वो जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक साइंस हो गए, मैथ्स हो गए, उनमें क्या है बच्चा थोड़ा स्लोली सीखता है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए वो वाली चीज़ें क्या है बच्चों के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं, कि ईजी सब्जेक्ट्स तो बच्चों ने बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, वहाँ पर रिविज़न भी स्टार्ट हो जाती है ईजी वालों में। लेकिन टफ़ वालों में क्या होता है कि एक एक पॉइंट को दो दो बार तीन तीन बार बच्चों को समझाना पड़ता है, या दो दो तीन तीन क्लासेस लेनी पड़ती है, उनकी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, बहुत सारा होमवर्क ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है बच्चे के लिए। कि वहाँ पे जब सेपरेट सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कि टफ़ के लिए भी उतना ही टाइम मिल रहा है और नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए भी हमें उतना ही टाइम मिल रहा है, तो आपको इसीलिए जो फोकस्ड होता है ना बच्चे का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, उसमें वो घर जाने के बाद भी उसमें होमवर्क में उलझा रहता है, बाकी एक्टिविटीज़ में उलझा रहता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेजेस ये है। सेकंड डिसएडवांटेज वही है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस टीचर होते हैं वो अपना टीचिंग स्किल्स को और मेथड्स को इतना इफ़ेक्टिव नहीं बना पाते हैं, यूज़फुल नहीं कर पाते, उन्हें पता होती है कि टीचिंग एड्स और मेथड्स क्या क्या हैं लेकिन उनको यूज़ करना ही नहीं आता है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट आता है हमारा इंटर डिसिप्लिन, यानी कि अंतर अनुशासित, ठीक है। अंतर अनुशासित जो है आपका इंटर डिसिप्लिन,
वो थोड़ा इंटीग्रेशन वाले मेथड से मिलता जुलता है, इंटीग्रेशन की तरह है। जो आपको अपना करिकुलम बनाना है वो थर्ड पॉइंट इंटरडिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बनाना है, मतलब अंत अनुशासित, मतलब कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में प्रॉपर वे में सेपरेट नहीं होता है। इंटीग्रेटेड में देखिए हमने क्या किया, दो सब्जेक्ट्स, तीन सब्जेक्ट्स या चार सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके पढ़ाना था। सेपरेट में क्या हो गया, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाना है। और जो लास्ट है आपका इंटर डिसिप्लिन में, इंटर डिसिप्लिन में क्या है, सेपरेटली तो पढ़ाना है लेकिन इतना सेपरेशन नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड से बिल्कुल अलग हो जाए। तो इंटर डिसिप्लिन हो जाता है कि आपको वो चीज़ें लेनी है वहाँ पर जो आपकी यूज़फुल हो। ये नहीं कि दो सब्जेक्ट प्रॉपर हैं तो दोनों को जोड़ा और पढ़ाने लग गए, खिचड़ी पका दी, बिल्कुल भी नहीं। आपको केवल वही चीज़ लेनी है कि जो आपके यूज़फुल की है, कि आपको ठीक है साइंस में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैथ्स में जो आप प्लस माइनस बच्चों को सिखाते हैं वो यूज़फुल हो रही है आपके लिए, तो आपने वो चीज़ ले ली, राइट। तो वो चीज़ लेके आपने बच्चे को पढ़ा दी। तो क्या किया, मैथ्स से रिलेटेड आपने सिर्फ एक कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट किया अपने साइंस को हेल्प करने के लिए, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या किया था आपने, जो साइंस के सब सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, जो साइंस से रिलेटेड जैसे आपके फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, उसकी क्या किया, उसको इंटीग्रेटेड कर दिया कि उसको एक बुक के अंदर आपने बना दिया कि हम अभी फिजिक्स पढ़ ली, देन नेक्स्ट जब फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी पांच चैप्टर्स की, देन आपने बायो स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो आपका पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट रहा वो क्या रहा, आपका साइंस का रहा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड में वो चीज़ें आ जाती है। ऐसे ही जब क्या होता है कि क्लासेस बड़ी होती चली जाती हैं तो वो जो इंटीग्रेटेड वाला है वो भी सेपरेशन में डिवाइड हो जाता है। तब आपका क्या होता है, फिजिक्स की अलग क्लासेस होती हैं, केमिस्ट्री की अलग होती हैं, बायो की अलग होती है, राइट। वहाँ पे क्या होता है, बुक्स भी अलग हो जाती हैं, सब्जेक्ट्स भी अलग हो जाते हैं और आपकी टीचर्स भी अलग हो जाती है, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिन के अंदर क्या आता है, अंत अनुशासित में, कि आपको जितने पॉजिटिव पॉइंट्स लग रहे हैं सेपरेशन सब्जेक्ट्स में और दूसरे सब्जेक्ट को कोरिलेट करते हुए, उनको अचीव कर लो, बाकियों को छोड़ दो, ठीक है, बाकियों पर ध्यान नहीं देना। तो इंटरपर्सनल के अंदर आपको बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किन पॉइंट्स को पॉजिटिव ट्रांसफ़र के अंदर कन्वर्ट करना है और किन पॉइंट्स को नेगेटिव ट्रांसफ़र के अंदर या ज़ीरो ट्रांसफ़र के अंदर कन्वर्ट करके उसको सेपरेट करना है। आपको बेसिकली एक सब्जेक्ट को ही लेकर चलना है, लेकिन ऐसे लेकर चलना है कि कुछ आपस में कोरिलेशन उनका रहे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ज्ञान स्थायी हो जाता है, वही कि आप परमानेंट नॉलेज इंक्रीज करवा देते हैं बच्चे की। पाठ्यक्रम का भार थोड़ा हल्का हो जाता है, मतलब जो करिकुलम पे जो उसका हेवी वेट है, मतलब करिकुलम अगर आपको एक पूरा प्रोवाइड करना है, बच्चे को पढ़ाना है, उसमें क्या है, जो बर्डन है ना बच्चे के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो कैसे कम हो जाएगा कि आप जब दो सब्जेक्ट्स को या आपस में कोरिलेट कर देते हो तो थोड़ा टाइम कम लगता है, तो वहीं पर क्या है, बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव लर्निंग होने के साथ साथ जो उसका बर्डन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे के लिए आपस में कोरिलेशन करके सहयोग मिलता है, आपस में उसको क्या हेल्प मिल जाती है दो सब्जेक्ट से रिलेटेड। बच्चे की व्यक्तिकता और जो विचार है, यानी कि बच्चे के थॉट्स हैं, वो ज़्यादा प्रॉपर वे में डेवलप हो जाते हैं। बच्चे को पता चलता है कि आज ये चीज़ पढ़ी है इससे रिलेटेड, तो कल अगर ये चीज़ पढ़ेंगे तो वो किससे रिलेटेड होगी या उसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, क्या कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे तीन पॉइंट्स थे। ये था आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम का संगठन, कि आपको पाठ्यक्रम जो अपना बनाना है वो किस रूप में आपको प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ ऐसी लेकर आनी है कि जो आपका करिकुलम सेट किया जाए वो एज पर स्कूल रूल्स किया जाए, कि स्कूल को ध्यान में रखते हुए और बच्चे को ध्यान में रखते हुए किया जाए, कि सारा जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो बच्चे के अंदर किया जा सके, ठीक है। अब तीन पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया कि हम अपना जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो ऐसे बना सकते हैं कि आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, सेपरेटली भी पढ़ा सकते हैं और जितने पॉइंट्स आपको चाहिए उनको अचीव करके बाकियों को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करिकुलम, ठीक है।